मध्य प्रदेश के सीहोर में सियार का खूनी आतंक देखने को मिल रहा है। सियार का आतंक ऐसा कि यहां 24 घंटे में करीब 10 लोगों पर हमला कर दिया गया। हैरानी की बात यह भी है कि पूरे मामले पर वन विभाग का लापरवाही वाला रवैया देखने को मिल रहा है। दहशत में लोग, किसका है खौफ, किसके आतंक से डरा गांव, गांव गांव गश्त, रात भर पहरा, जंगली आतंक से कौन बचाएगा? यूपी में भेड़िए के आतंक का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सियार ने अपने गांव में दहशत बढ़ा दी है। सीहोर के रेटी क्षेत्र में लगातार सियार लोगों पर अटैक कर रहा है और अब तक 10 लोगों को घायल कर चुका है, जिसके कारण गांव के लोग डरे हुए हैं। कहां हमला हुआ आपको? पर घर से किसने किया हमला? कोई। कहां चोट आई आपको? हाथ में। अलग अलग जगहों पर हमला किया गया। गेहूं खेड़ा और सगुनिया गांव में हमला किया गया। करीब 10 लोगों पर सियार ने हमला किया है। कई गंभीर घायलों को नर्मदापुरम रेफर किया गया है। वहीं घायलों को वन विभाग ने सहायता राशि दी है। वहीं इस मामले में वन विभाग के एसडीओ का कहना है कि आसपास के गांव में मुनादी कराई जाएगी। जैसे ही ग्रामीणों को सियार दिखे वैसे ही वन विभाग को सूचित किया जाए। वो एक्चुअली सियार है क्योंकि जो लोकल व्यक्ति के वर्जन लिए थे तो उसने कोलिया कहा था। कोलिया जो है वो स्थानीय भाषा में सियार को कोलिया कहा जाता है। इसके लिए वन विभाग ने गांव में मुनादी करवाई जाएगी, तो लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो जब भी सियार दिखे तो हमको सूचना दे दें और हम उसको दूर भगा सकें या फिर उसको पकड़ सकें। हैरानी की बात तो ये है कि जिस वन विभाग को मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए खूंखार सियार को पकड़ने की कवायद शुरू करनी चाहिए, वो खुद ही ग्रामीणों के भरोसे बैठा है और गांव वालों को फिलहाल जागरूक रहने की हिदायत दी जा रही है। सवाल यही है कि इन ग्रामीणों की कौन सुनेगा, क्योंकि ये तो प्रशासन की मदद के भरोसे है। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला और इस जिले के ग्रामीण दहशत में है, क्योंकि 24 घंटे में सियार ने अटैक करके 10 लोगों को घायल कर दिया। वन विभाग दावा कर रहा है कि सियार को पकड़ लेंगे, लेकिन सियार को वो नहीं पकड़ पाए हैं। जो ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे बातचीत के जरिए जानूंगा कि आखिरकार गांव में हालात क्या है। दादा ये क्या है? ये सियाल है। सियार है? सियाल है, सियाल। अरे भैया बिल्कुल परेशानी कर लिए हैं, परेशान है पर ये नहीं सुन रहा है। अपनी विभाग वाले हो? वन विभाग वाले नहीं आ रहे? हाँ नहीं आ रहा, नहीं सुन रहा है। उन्हें तो मतलब ले जाके मरा हुआ बता दो कि ये पड़ा तो ले जाओ उठा के, नहीं तो उनको यार देखभाल करना चाहिए उनकी। वो तो गनीमत रहेगी, टक्कर से मर गया। टक्कर से मर गया, नहीं देखिए आलू कितने घायल करता वो। गांव वालों की जान पे आ जाती बात। जान पे आती, गांव वालों पे आती। स्कूल है ये करीब करीब, ये एक स्कूल, वो एक दो, वो है स्कूल के छोरे छोरी आते जाते हैं, तो मतलब वो तो अच्छा रही कि जो कि इनका डर के मारे माँ बाप मतलब छोड़ने आते हैं स्कूल। तो बच्चों को ज्यादा डर है? ज्यादा डर है बच्चों को, ये तो हमला कर ले, मसक दे, काट दे। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? नहीं जाना पा रहा है, इस डर के मारे माँ बाप छोड़ के जा रहा है। कैसे जा रहे हैं? बस वो मोटर से ले जाए, कहेगा जीप से ले जाए। वन विभाग कुछ नहीं कर रहा ना, मुनादी करवा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ये। अच्छा, आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। 24 घंटे में 10 लोगों पर हमला और वन विभाग फिलहाल लापरवाह रवैया अपनाए हुए है। सवाल यही है कि इस जंगली आतंक से ग्रामीणों को आखिर कब छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियार के आतंक के कारण गांव के लोग दहशत में हैं और बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि रात भर सियार का आतंक देखने को मिलता है। गांव में रात भर सियार की आवाजें आती रहती हैं। सियार से बचाव के लिए ग्रामीण रात भर घरों के बाहर पहरा देते हैं। वहीं सियार 24 घंटे में 10 लोगों पर हमला भी कर चुका है। तो सियार का आतंक किस तरह से देखने को मिल रहा है।
तो सीआर का आतंक इस कदर है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। आखिर कैसे लोग सीआर से खुद की जान बचा रहे हैं, पूरे मामले पर अब वन विभाग की ओर से ग्रामीणों के लिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गांव के लोग डरे हुए हैं और आदमखोर सीआर घूम रहे हैं, एक दो तीन नहीं बहुतायत, कोई पता नहीं कितनी संख्या में। ये आप देखेंगे फॉरेस्ट हमला गांव गांव तक पहुंच गया है, लोगों को समझाइश देता नजर आ रहा है कि आप पलट रहे हैं, बाहर जाएं तो आप बिना लाठी डंडे के ना जाएं, क्योंकि बड़ी तादाद में सियार घूम रहा है। तकरीबन 10 लोगों को सियार ने काट लिया है। महिलाओं की बड़ी बुरी मनोदशा है क्योंकि उन पर लगातार सियार अटैक कर रहा है लोगों पर, इसके चलते ये डरे और सहमे हुए हैं। क्या नाम है आपका? टीना। अच्छा, मारी वहां से गांव में तो सियार लोगों को काट रहा है, घूम रहा है। हाँ, तो अभी एकदम आया, मैं भागी भगा भगा इनको छोड़ भगा भगा पकड़ू तो मेरी जान को संभालू। ये कब की बात है? सर कल शाम को ही। क्या हुआ था? एकदम आके और वे तो भिड़ गए वहां से, तो मैं वहां से छोड़ के भागी और मिस्त्री भी लगे मई काम पे, वे खुद भी गवा दे देंगे। यदि आप नहीं भगती तो आपको नहीं खा जाते है तो बकरियों को खाया। हाँ देखो कैसी हालत है अभी, तो मोबाइल में देखो। अच्छा हाँ है मोबाइल बेटा वीडियो, और उनका भाई जो भगा मैं तो अंदर भागी। तो आप उनका तो बिल्कुल ऐसा खाएगा, उनका तो टांगड़ा ही टांगड़ा दिख रहा है, पूरे ही खा गए। अभी कहाँ है वो बकरा वगैरह? मर गए वे तो। कितने का नुकसान हो गया आपका? मेरे बिल्कुल 30-40 हजार का नुकसान हो गया। वो कोई कोई मुआवजा मिला? नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कोई शिकायत कहीं पे? अभी शिकायत भी अभी आई थी मैं शिकायत करने के लिए। क्या करूँ अब बताइए आप। तो पूरे गाँव के लोग सब ऐसे ही डरे हुए हैं। हाँ सर। क्या नाम है आपका? दुआर कवाई है। महिला डर रही है, कह रही है सियार का डर लग रहा है, उनकी दो बकरियों को खा गया है। खा गया वो माली वहाँ की, हम सगुन यहाँ के हैं। अच्छा है। तो वहाँ भी दो लोगों को सियार ने अटैक कर रहा, तो ऐसे में डर तो है गांव में? डर तो है ना, डर हैगा, डर है। छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को ज्यादा डर है? हाँ डर है ना, इधर उधर जाते डर लगता है कि ये कहीं घूम नहीं पड़े हम लोगों को। अब कैसे जाएंगे, डंडा लेके जा रहे हैं? हम तो घर से नहीं जा रहे अभी, घर से नहीं निकल, नहीं निकल रहे अभी तो। घर में कौन कौन है आपके? हम दोनों मिल है, एक लड़की है बड़ी 20-22 साल की। अच्छा, सब घर में? हाँ, और बच्चे बाहर रह रहे हैं, सब ड्यूटी कर रहे हैं। लोगों ने अपने आप को घर में कैद कर लिया है, वो बाहर निकलना ठीक नहीं समझ रहे हैं क्योंकि सियार आदमखोर हो गया है, खूंखार हो गया है। आप देखेंगे तो ये भाई साहब देखिए डंडा लेके घर के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कहां से अचानक से सियार आ जाए और अटैक कर दे। इस सियार की वजह से डंडा ले रखा है, वन विभाग कह रहा है कि बिना डंडे के बाहर मत जाइए, कहीं नहीं तो सियार अटैक कर देगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार भाई, क्या नाम है आपका? राधा भाई। ये ये ये, ये सियार तो लोगों को काट रहा है, खा रहा है, कहीं भी करे साहब। हम तो लंगड़ा लूला, हम तो जहाँ से बाहर निकलते ही नहीं, हमसे चला थोड़ी जा लकड़ी टिकी मलबा पड़ी, मैं तो लकड़ी चलू तो लूली, अब इतलान में मारो तो कोई हिसाब नहीं, गली में ही नहीं मैं जाती मैं हरत कोई। अच्छा, ये अब ऐसे में सियार आ गया तो आप तो बचा भी नहीं पाओगे अपने। शेर आ गया तो शेर आ गया, दिन में आ गया भगांग की वाड़ लगाऊंगा, रात में बाहर हिटता ही नहीं तो की वाड़ लगे हमारा साकल लगा दो। अब डर लग रहा है गाँव में रहने में, डर लग रहा है। ये महिलाओं की पुरुषों की स्थिति ये है कि बिना डंडे के कहीं बाहर नहीं जा रहे। आप देखेंगे तो ये बन हमला लोगों को मुनादी के जरिए समझा रहा है, बातचीत कर रहा है और इन्हें इतला कर रहा है कि दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो डंडे लिए हैं, हालांकि छोटे डंडे हैं, जितने बड़े ये बच्चे हैं उतनी ही बड़ी है लाठी लेकर जा रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? हानिफ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सातवीं। सातवीं। हाँ। ये डंडा लेके क्यों जा रहे हैं? भेड़िए लपक रहा। भेड़िए तो डर लगता है। तकरीबन दर्जन भर चार घूम रहे हैं, बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, बड़ों पे कर रहे हैं, बूढ़ों पे कर रहे हैं, किसी की उंगली खा रहे हैं, किसी को लहूलुहान कर रहे हैं, तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं, लेकिन पकड़ में सियार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक दो तीन हो तो पकड़ में आए, बड़ी संख्या है। गांव में दहशत है, वन विभाग इस बीच में देखेंगे आप तो मुनादी करता नजर आ रहा है, जागरूक कर रहा है लोगों को, क्योंकि जागरूकता से ही काम बनेगा। जो डिप्टी रेंजर हैं हरीश माहेश्वरी वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर गांव के लोग डरे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे। जी जी, तो उनको मुनादी की जा रही है सुरक्षा के हिसाब से, और पूरा वन हमला इस समय अलर्ट है और लगा हुआ है गांव। क्या, क्या क्या हम इन सियारों को पकड़ नहीं सकते हैं? ये क्या है, काफी काफी मात्रा में संख्या में है असल में,
ये है समस्या बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में ये कितने 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 गांव प्रभावित हैं? लगभग एक दो गांव। एक दो गांव। कोई कोई का कैच हुआ पकड़ में आया? नहीं अभी नहीं आया, कोई पकड़ में नहीं आया। बंद ये पहली बार ऐसी घटना आ रही है? हाँ पहली पहली बार। कोई वजह समझ में आई क्यों? वजह क्या है? वजह ये समझ में आ रही है कि जो मवेशी खेतों में फसल खाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह में कई मवेशी मर जाती है, तो उसको ये सियार वगैरह खाते हैं उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। सब नाशक का प्रकोप ज्यादा है। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन तर्कों के बीच में दहशत में गाँव वाले हैं। महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि उन्होंने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। हालात कब सुधरेंगे ये राम जाने, क्योंकि एक के बाद एक लोगों को ये खूंखार आदमखोर सियार घायल कर रहे हैं। देखिए अब वन विभाग गांव गांव घूम रहा है, वो मुनादी कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप बच के रहिए, लेकिन गांव वाले हैरत में और दहशत में, क्योंकि कभी भी सियार आ जाता है अटैक कर देता है। ये वो सीहोर का गांव है सगोनिया, जहाँ की मैं लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा था। अब आगे की तरफ जाऊंगा, मेरे सहयोगी कैलाश मालवी है और मैं पहुंच गया हूँ वहाँ जहाँ पर अटैक किया गया था। ये आप देखेंगे तो बनमला पहुंच गया है, बनमला लोगों को जागरूक कर रहा है। से भी निवेदन है कि बाहर निकलते समय, खेतों में जाते समय लाठी डंडा साथ में रखे एवं छोटे बच्चों को खेत में। वन अमला लोगों से कह रहा है कि आप यदि घर से बाहर निकल रहे हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं, तो आप लाठी डंडा लेके निकलिए, क्योंकि सियार जो है वो आदमखोर हो गया है। कल इसी जगह ठीक जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सियार यानी आदमखोर खूंखार सियार दो लोगों पर अटैक कर रहा है, वो इसी जगह किया था। ये देखेंगे आप तो कार्यालय ग्राम पंचायत सगोनिया है और ये वो व्यक्ति है जो अब तक दहशत में है। इनके पैर में अटैक किया था, इनके साथी गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये वो चश्मदीद है, ये वो पीड़ित है जिन पर सियार ने अटैक किया था। क्या नाम है दादा आपका? इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे पसीना खाया। क्या नाम क्या है? नर्मदा प्रसाद। कल कितने बजे की घटना है और क्या हुआ था? ये 5:30 बजे के करीब की बात है। यहाँ पे बैठे थे और वो पता नहीं, हमने ध्यान ही भी नहीं दिया। और कौन कौन बैठे थे? कौन कौन बैठे थे? श्याम भाई और मैं बैठा था। दोनों बैठे थे और वो इधर से आया अचानक और हाँ भी हो गया। कौन था? सियार था? हाँ सियार। अच्छा कहाँ कहाँ बताइए आपको, कहाँ उसने काटा है? जो 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 सीसीटीवी फुटेज में फेंकते हुए दिख रहा है सियार को, वो आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा दीदी कहीं क्लोज तस्वीर दिखाइए, ये तो दांत देखेंगे आप तो, ये सियार के अटैक के हैं। उस समय क्या डर गए थे अचानक, क्या हुआ था? डर तो गए थे। डर गए थे और क्या। तो ये सियार बड़ी संख्या में घूम रहे हैं क्या गांव के आसपास? ये तो मेरे को पता नहीं बड़ी संख्या में है कि छोटी संख्या में। ये तो आप बड़े थे तो आप बच गए, यदि बच्चे होते तो? बच्चे होते तो वो तो चला जाता। चला जाता तो जाना ही था, वो जाना ही था। अब बनमला आ गया है और इसके बाद मैं स्थानीय लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन अंदर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा देता हूं। पंचायत के जिस कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है, अंदर आप आएंगे तो ये आप देखेंगे पंचायत कार्यालय है और यहां से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, किसकी? आदमखोर खूंखार सियार की। क्या नाम है भाई साहब का? रामकेश उइके मेरा नाम है। अच्छा जी। सियार का जो अटैक है वो यहीं से हुआ है? थोड़ा थोड़ा पीछे करके दिखाइए जी, जी पीछे करके दिखाइए, थोड़ा सा पीछे करके दिखाइए। चलिए प्ले करिए। ये देखिए एक ग्राम पंचायत सगोनिया है सीहोर का और यहाँ दो लोग स्मरान से बैठे हुए हैं। एक जो एक वो व्यक्ति है जो इस तरफ देखेंगे तो वाइट वाल वाले उनसे हम बातचीत कर रहे थे। आप देखेंगे थोड़ा पीछे करके दिखाइए, क्लैरिटी से दिखाइए कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सियार है वो किस तरीके से अटैक कर रहा है, वो देखिए वहां से चलता आ रहा है। ये देखिए ये खूंखार आदमखोर सियार के अटैक की, ये देखेंगे आप, एक व्यक्ति को काटा, ये देखिए उसने जैसे तैसे अपने आप को बचाया, फिर देखिए वो किस तरीके से आदमखोर बन गया, दूसरे व्यक्ति पर अटैक कर दिया, पैर में काटा, जहां की मैंने तस्वीर दिखाई उस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया, उसके बाद उसने फेंका है और उस व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चला और अब वो यहां पर पहुंच गया है। ये गांव की तस्वीर दिखा रहा हूं, हालात आप समझ लीजिए, यदि बच्चे होते
तो जान नहीं बचती उनकी। और ये जगह ग्राम पंचायत के बाहर जो लोग बैठे हुए थे ये सबसे सुरक्षित मानी जाती है। एक बार फिर से बैक करके दिखाइए, मैं दिखा रहा हूं, सिस्टम जाग जाए क्योंकि हालात यहां पर चिंताजनक हो गए। जैसे वैराज में भेड़िया बवाल काट रहा है वैसे ही मध्य प्रदेश के सीहोर के गांवों में आप देखेंगे तो ये फिर से अगेन अटैक करता हुआ ये व्यक्ति के देखे पैर में झपट्टा मारा, ये काट लिया और इसके बाद व्यक्ति ने देखिए हिम्मत दिखाती हुई फेंक दिया और इसके बाद ये भाग खड़े हुए। कुछ आता पता नहीं था, ये बैठे थे बातचीत कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, लेकिन वहीं जो दुश्मन बना देखिए भेड़िया का दूसरा रूप सियार पहुंच जाता है। गांव के सरपंच मेरे साथ मौजूद है, भाई साहब आप तस्वीर दिखाते रहिए कैलाश, मैं सरपंच साहब से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? गोपाल मुखाती। भाई साहब गांव में ये हो क्या रहा है, सियार तो बवाल काट रहे हैं? बहुत ज्यादा बवाल काट रहा हूँ और अधिक संख्या में एक के एक से एक लिंग जुड़ रही है इनकी। अच्छा, एक को काटा, दूसरे सियार ने दूसरे सियार को काटा तो वो भी पागल हो रहा है भेड़ी होन। ये आदमखोर हो गए? आदमखोर हो गए। बच्चों का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा? बच्चों को सुरक्षित रखना रहना पड़ेगा घर में। हाँ, घास वास काटने का डर लग रहा है कि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नाम क्या है आपका? गोपाल मुखाती। सरपंच साहब है, सरपंच साहब खुद ही डरे सहमे, कह रहे हैं महिलाओं को और बच्चों का क्या होगा, राम जाने गांव के लोग हैं। तस्वीर अटैक की आपने देखी, ये सियार इतना बवाल कर क्यों रहे, सनसनी फैल गई है गांव में, ये हो क्या रहा है सर? सियार रहता है मतलब रात में निकलता है ये, और हो सकता है कि ये मवेशी वो खाते हैं। अरे कहाँ रात की बात कर रही है, तो दिन में निकला है, कैमरे में कैद हुआ है। दिन में आ गया, दिन में भी आ जाता है और रात में भी आता है। रात में ज्यादा ये प्राणी रात में ज्यादा निकलते हैं। अच्छा जी, ये बताइए आसपास कितने लोगों को घायल कर दिया है? कोई कह रहा है 24 घंटे। 10 लोगों को मेरे पास सूचना है कि 10 लोगों को घायल करा है। अच्छा, कहाँ इलाज चल रहा है इन सब? इनका लगभग होशंगाबाद में इलाज चल रहा है। होशंगाबाद में इलाज चल रहा है। कितने कितने सियार जो खूंखार है आदमखोर बन गए वो कितने होंगे लगभग, कोई संख्या? उसका कुछ कह नहीं सकते। बड़ी संख्या हो सकती है? नहीं नहीं, कितनी हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5? तीन चार जगह पे काटा है असल में। तो ये कि पूरा झुंड है क्या? अलग अलग भी हो सकता है, सियारों का झुंड है ये। झुंड भी रहता ना। कोई पकड़ में आया अब तक? अभी तक तो नहीं आया। कोई ट्रैक हुआ? नहीं। अब कर क्या रहे, लोगों को कैसे आप सुरक्षित करेंगे? मुनादी करवा रहे हैं। मुनादी करवा रहे हैं और स्टाफ पूरा स्टाफ अंबन अमला लगा हुआ है। क्या क्या नाम भाई साहब का? प्रदीप पटेलिया। प्रदीप भाई वो क्या रहा है, तो दिन दहाड़े रात में 10 लोग घायल हो गए? ये खेतों में जो कीटनाशक और जो मवेशी एक्सीडेंट में खत्म होती है तो उनको रोड के साइड इफेक्ट, हाँ उनके रोड के किनारे में साइड में डालते हैं और वो सियार उनको रात में खाते हैं। अब ये सियारों से कैसे बचेंगे गांव वाले लोग, कैसे हो सियार? यहाँ वन विभाग की टीम लगी है और जो रेंजर मैडम है ऋतु तिवारी जी वो भी सक्रिय है और पूरी स्टाफ सक्रिय है और इन सब लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव एलान्स भी कर रहे हैं कि अगर घर से निकले तो डंडा और लाठी लेके निकले ताकि सियार अगर आप पे, दादा ने ये जो लाठी ले रखी है ये काम नहीं आएगी क्योंकि सियार ना इससे भगेगा और ना इससे आप सुरक्षित हो पाए। क्या नाम है दादा? रोशन। कितनी 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 उम्र है आपकी? 50 साल। सगोनिया में कितने साल से रह रहे हैं आप? 50 साल हो गए। पहली बार देखा आपने सियार का प्रपंच शुरू हो गया है? वो तो सियार को देखते ही रहते हैं खेत में, पर पहली बार खूंखार हो गया है। खूंखार हो गया, ये जानवर खा रहा है, ढोर में बेल खा रहा है, इस वजह हो रहा है खराब। वो ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये जो आप आ गए इनके लिए डर ज्यादा है? हाँ डर ज्यादा है। कहा जाता है कि सियार गांव की तरफ नहीं आता लेकिन तस्वीरें बता रही कि इस तरफ से आता है और दो बैठे व्यक्तियों पर अटैक कर देता है। ग्रामीण कह रहे हैं कि हम कैसे सुरक्षित होंगे, वो कह रहे हैं आप तो शाम को नहीं आ पाएंगे लेकिन मैंने जिम्मेदारी से और ये एहसास के साथ कहा है कि हम रहेंगे, जहाँ संकट होता है वहाँ की तस्वीरें क्योंकि हम जनता की आवाज़ है। और ग्रामीण चिंतित हैं, वन विभाग मुनादी करा रहा है, उन्हें अलर्ट कर रहा है, घर से बाहर निकले तो लाठी लेकर निकले क्योंकि सियार 1, 2, 3 नहीं बहुतायत संख्या में घूम रहे हैं और अटैक लोगों पर कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को लहूलुहान या आदमखोर सियार करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, सीहोर।